यहाँ पर जैसे हम रिमोट से ऑन करेंगे इसको। हाई है, अभी लो पर करेंगे, लो हो गया, मीडियम हो गया, जैसे जैसे इसमें चेंज करेंगे वैसे वैसे काम करेगा। ऑफ करेंगे, वो फैन ऑफ हो गया मेरा। तो इसी प्रकार से आप भी फैन को। हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक सेलिंग फ़ैन है जो कि तूफान पंखा है, इसमें हम रिमोट लगाएंगे, ठीक है। हाँ, वही चीज़ जो रिमोट जाके मतलब फ़ैन रेगुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उससे हम लो मीडियम हाई मतलब हर चीज़ कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको मतलब एक पीसीबी की ज़रूरत है, जो कि पीसीबी हम अमेजोन से मंगाए हैं, क्योंकि बिना पीसीबी के ये चीज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। वही 600 से 700 रुपये के आसपास में इसका दाम पड़ता है, प्राइस पड़ता है। आप किसी भी फ़ैन में, तूफान में हो मतलब जो कंपनी में आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं तूफान में। हम तूफान नॉर्मल इसलिए फ़ैन ले लिए हैं ताकि सबसे ज़्यादा आदमी घर में तूफान यूज़ करता है, तो इसलिए हम तूफान फ़ैन का ले लिए हैं ताकि इसमें रिमोट लगा कर बताएंगे। मैन जैसे इसमें लगेगा उसी में वैसे ही सब फ़ैन में लगेगा, वो टेबल फ़ैन हो, वॉल फ़ैन हो, सब में आप लगा सकते हैं इजिली। तो कुछ डायग्राम है इसको कंट्रोल करने को, समझ लीजिए। ये तो कुछ डायग्राम है, देख लीजिए, यहाँ पे 4 वायर निकलता है, जो है 4 वायर निकलता है, ठीक है। 4 वायर में जैसे हो गया रेड, ब्लू और येलो और वाइट है, ठीक है। इसमें ब्लैक दिया हुआ है बट ब्लैक है नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, तो कैसे कनेक्शन करना है वो भी हमें समझा देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए, यही पीसीबी है इसका, पर इसका यही पीसीबी है। तो पीसीबी को ऐड कैसे करना है हम आपको बता देते हैं, जो कि MRP यहाँ पे 1449 रुपये है, बट उतना दाम नहीं है, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। और ये कितना पर कितना से कितना पे काम करेगा, तो वोल्टेज 220 से 240, ऑपरेटिंग 0°C से 55 तक काम करेगा, मोटर लोड 120 वाट तक इस पर दे सकते हैं, ठीक है। और रेडियस इसका रेडियो 60 mm है, और आर वेट 91 ग्राम, मतलब 100 ग्राम से भी कम है, ठीक है। तो चलिए हम इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर कनेक्शन समझ लिए, तो ये जो रेड और ग्रीन है इसको मतलब मेन सप्लाई से देना है, और दूसरा चीज़ येलो और वाइट जो है वो फैन में हमको कंट्रोल करना है। तो चलिए इसको हम ऐड करते हैं। तो आपको इधर साइड जो प्राइमरी से इधर सेकेंडरी साइड है, इसको हमको कोई कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है। जिधर हम सप्लाई दे रहे हैं इसको जैसे है वैसे ही रहने देना है। अगर इधर आपको वायर अगर खोल देते तो आपको काफ़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि कनेक्शन करना यहाँ से अगर कंडेंसर की वायर या मतलब कोई भी वायर अगर इधर उधर छिटक जाएगा तो फिर आपको कनेक्शन करने में काफ़ी परेशानी हो जाएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर के छूना ही नहीं है हमको, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे हम फैन में कनेक्शन करते हैं वैसे, जैसे हम आपको बताए हैं वाइट और येलो, ये दो ठो जो है हमको फैन में कनेक्शन करना है। तो हम इसको ऊपर नीचे किधरों कर सकते हैं, मतलब किसी साइड भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, ये कोई जरूरी नहीं, इधर यही लगेगा। पर लोड ज़्यादा पीसीबी पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, उसी हिसाब से कनेक्शन इसका किया हुआ है। तो ये कॉमन है, कॉमन इसका रेट है, कॉमन का मतलब जो सिंगल वायर हो, ठीक है। अगर 4 वायर हो तो उसमें भी डबल करके एक कॉमन बनाया हुआ रहता है, इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो आदमी रिमोट लगाना चाहते हैं फ़ैन में, ये टू फैन इन, तो इसमें दे देना। इसका कनेक्शन एकदम नॉर्मल है बट समझना सही है। तो यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया, अब इसको हम मेन सप्लाई दे देंगे। तो सप्लाई देने के लिए आपको थोड़ा सा वायर चाहिए, तो हम इसको सप्लाई इसमें दे देते हैं ताकि आपको हम चला कर दिखा सके। ये रहा इसका रिमोट, ऑफ यहाँ से होगा, ऑन यहाँ से होगा, मीडियम लो हाई, मतलब ऑन भी इसी से होगा, हाई भी इसी से होगा, मीडियम हो गया, लो हो गया। तो चलिए हम इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं। दो ठो वायर कनेक्ट कर लेंगे जो कि मेन सप्लाई वाला होगा। ये चाहे तो हम छत में भी लगा कर कर सकते थे, इसलिए नहीं किए ताकि आपको कनेक्शन करने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। एक वीडियो और बताए थे बट वो प्रॉपर जैसे मतलब छत में लगा कर बताया था, आदमी को समझ में नहीं आया था, इसीलिए हम नीचे करके बता रहे हैं ताकि आदमी अच्छे से समझ सके। इसको टेप कर देंगे ताकि करंट न लगे, आपस में शॉक ना हो। तो ये कम्प्लीटली कनेक्शन हो गया है, अब चलिए इसको हम सप्लाई देते हैं। उधर रेड और ब्लैक किए हैं, पकड़िए इसको। तो देखिए टिक किया और चालू हो गया। अब जैसे हम रिमोट है तो रिमोट से हम इसको ऑफ करेंगे, ऑफ हो गया।
अब ऑन करेंगे, ऑन हो गया। इसको मीडियम कर लेते हैं, स्पीड घट गया देख सकते हैं। ऑफ कर दिए, बंद हो रहा है। तो इधर देखिए, यहाँ पर जैसे हम रिमोट से ऑन करेंगे इसको, हाई है, अभी लो पर करेंगे, लो हो गया, मीडियम हो गया। जैसे जैसे इसमें चेंज करेंगे वैसे वैसे काम करेगा। ऑफ करेंगे, वो फैन ऑफ हो गया मेरा। तो हाई है, अभी लो पर करेंगे, लो हो गया, मीडियम हो गया। जैसे जैसे इसमें चेंज करेंगे वैसे वैसे काम करेगा। ऑफ करेंगे, वो फैन ऑफ हो गया मेरा। तो इसी प्रकार से आप भी फैन को रिमोट वाला बना सकते हैं, कोई भी फैन हो, चाहे वो 5,000 का होता हो, चाहे 10,000 का तो होता हो, जिसमें रहे, जिस फैन में रिमोट ना हो, उसमें इजीली आप रिमोट लगा सकते हैं। जब रिमोट ख़राब हो जाए तो इसको नॉर्मली, जैसे पीसी भी ख़राब हो जाए तो करना क्या, कम इसको खोल कर हटा देना, जैसे जो मैनुअल होता है वैसे बना देना, मतलब लगा देना, कनेक्शन कर देना, फिर फैन चलेगा। फैन अगर ख़राब होगा अंदर से तो नहीं चलेगा, और फैन नहीं ख़राब होगा तो वो काम करेगा। जैसे कि आपको पूरा देख लिया प्रॉपर अच्छा से, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो फ्री है, उसमें आपको पैसा नहीं लगेगा। जैसा कि ऑफ कर दिए तो आप देख ही सकते हैं, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, थोड़ा देखते रहिए। कोई रिमोट ये नहीं किया है, एक बार और चालू करके हम दिखा देंगे आपको। ये जो है छत में आप सटा सकते हैं, सटने के लिए दिया हुआ है, यहाँ से उखाड़ के और छत में सटा दीजिएगा, सट जाएगा, क्योंकि सेंसर यही है। जब तक ये ओपन नहीं रहेगा, देखिए फैन बंद हो रहा है, अब एक बार बंद हो जाएगा, उसके बाद हम रिमोट के जरिए ही देख लीजिए। यहाँ पर सप्लाई ऑलरेडी लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर रुक गया, अब दोनों के लिए, दोनों फैन के, हाँ, अरे हल्का कैमरा। तो चलिए इसको हम ऑन करते हैं, ऑफ किए, ऑन, लो, मीडियम, हाई। इसी प्रकार आप भी ऑन कर दिए, ऑफ, ऑन,